कंगना के दफ्तर पर चले बीएमसी के पीले पंजे को लेकर अब उद्धव सरकार को खुद उनके सहयोगों का भी साथ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने उनके सहयोगी शरद पवार ने भी कंगना मामले में उद्धव को घेरा है। रिपोर्ट देखिए आप। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के घर पर अवैध निर्माण को ढहाने को लेकर मुंबई में राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बर्बरता बताया है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा है कि इस बीएमसी ने बेवजह कंगना को अनावश्यक प्रचार का मौका दे दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, बीएमसी की कार्रवाई ने कंगना को अनावश्यक रूप से बोलने का अवसर दिया है। मुंबई में कई अन्य अवैध निर्माण हैं, ये देखना आवश्यक है कि अधिकारियों ने ये निर्णय क्यों लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई जानता है कि मुंबई पुलिस सुरक्षा के लिए काम करती है, आपको इन लोगों को प्रचार का कोई मौका नहीं देना चाहिए। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है और बीएमसी पर शिवसेना का भी कब्जा है। शरद पवार ने कहा, मुझे मीडिया के कवरेज पर आपत्ति है, मीडिया ने इन बातों को बड़ा बना दिया, हमें ऐसी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। वरिष्ठ राजनेता ने सुझाव और पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। कंगना की कानूनी टीम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जिसने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। सुशांत सिंह केस को लेकर कंगना रनौत और शिवसेना आमने सामने हैं। माना जा रहा है कि यही वजह है कि कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की तरफ से एक कार्रवाई की गई। लेकिन लगता है कंगना हार मानने वाली नहीं है, क्योंकि वह ट्विटर पर लगातार इसका जवाब दे रही हैं। आज कंगना ने बीएमसी पर सीधा हमला किया और ट्विटर के माध्यम से कहा, क्या ये पीओके है? मेरा कार्यालय मेरा राम मंदिर है, जिस पर बाबर ने हमला किया। बीएमसी की कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई से अब उद्धव ठाकरे घिरते नजर आ रहे हैं। जहां कंगना खुलकर उनके खिलाफ उतर आई हैं, वहीं उद्धव के सहयोगी भी उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। देखना होगा कि मुंबई का ये नया विवाद कब थमता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।